हाय गाइस, तो हम आज बताएंगे कि कैसे हम लोग सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं और हमें फैमिली को एडजस्ट करने में या उन लोगों की देखभाल करने में खुद को फ्रेश होने का टाइम नहीं मिलता। नहा लेते हैं जल्दी जल्दी, बच्चों का लंच तैयार करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं और घर के सारे लोगों का ख्याल रखते रखते हम ये भूल जाते हैं कि अपना ख्याल कब रखूं। लेकिन ज़रूरी होता है कि घर को साफ़ सुथरा होने के साथ साथ हम भी उजड़े हुए ना रहें तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये भी होता है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह सजा के रखें तो बहुत महत्व रखता है। तो सुबह सारा काम करके फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम अपना भी थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाल आल सेट कर लेते हैं और डेली का मेकअप भी कर लेते हैं। डेली का मेकअप क्या है कि करना ज़रूरी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है लैक्मी का, वो हमको आपको दिखा भी दिया। तो फिंगर की सहायता से हल्के हल्के से लगा लेते हैं। इसके पहले मैंने दिखाया नहीं, मॉइस्चराइजर भी करती हूँ मैं, लेकिन इस टाइम सर्दियों का तो मैं ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला के लगाती हूँ हाथ पैरों पे और फेस भी लगा लेती हूँ। फेस में मेरे थोड़ा सूखापन है, इसलिए मैं फेस में भी यूज कर लेती हूँ गुलाब जल और ग्लिसरीन मिला के ही लगा लेती हूँ। और हम आपको ये भी बताएंगे, थोड़ा साफ रहना चाहिए, तो उसके लिए साफ रखने के लिए उसमें हम पॉन्स का बॉडी लोशन भी मिक्स कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो हमारे अंदर तक मेरी त्वचा भी करता है। देखिए मैंने लगा लिया है बॉडी लोशन, उसके बाद लगा ली थी मैंने फाउंडेशन, उसके बाद मैंने लगाया बायोटिन का पाउडर, फेस पाउडर लगाया। ये है लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग की, जो मैं अपने लिप्स पे यूज कर रही हूँ। डेली के मेकअप इतना तो होना ही चाहिए, ज़रूरी होता है इतना करना, क्योंकि हम लोग शाम को अगर अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं तो थोड़ा हल्कापन सा लगता है, और बाहर से आए हुए जो हमारे घर पे होते हैं वो भी थोड़ा सही लगता है, कोई आता है देखता है तो थोड़ा सही लगता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग की लिपस्टिक लगा ली है। अब मैं लगाऊंगी काजल, ये लैक्मी का काजल है। आंखों में काजल ज़रूर लगाना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि लैक्मी का हो, कैसा भी हो। नहीं है तो हमारे यहाँ जो बच्चों का नेचुरल काजल जो हम बनाते हैं लगाने के लिए, मैं बच्चों को तो नेचुरल काजल ही लगाती हूँ, वो काजल हम आपको बना के भी दिखाएंगे, कमेंट में बताना। बहुत ज़रूरी होता है आँखों के लिए काजल, सारे दिन की गंदगी निकल जाती है आँखों से, बहुत ज़रूरी होता है। और ये चुटकी वाला सिंदूर यूज करती हूँ, कहते हैं चुटकी वाला सिंदूर यूज करना चाहिए, हमारे यहाँ बुजुर्ग कहती हैं हमारी सासू मम्मी। हाँ जी, तुम बता। मैंने कर लिया है चुटकी वाला सिंदूर यूज, और देखो लगा के ये बहुत सुंदर लगता है। लगाने के बाद देखो चुटकी वाला सिंदूर उभरता है ऊपर की तरफ और मांग भरी भरी सी लगती है। तो बताना, डेली का मेकअप ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाया, फिर भी ठीक लग रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तैयार होने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग भी घर में काम करने के बाद फ्री होती हो तो ज़रूर थोड़ा सा संभाल लो, क्योंकि अभी हम काम औरों का भी कर लेती हूँ और अपना भी संभाल सकती हूँ। बुढ़ापा किसने देखा है, किसी को क्या संभालेंगे, खुद ही नहीं संभाल पाएंगे। तो है अभी उम्र, करिए ये सब तैयारी। बाय बाय।